वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम 31 जनवरी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और SCS डेली क्विज आपने अब तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इस ग्रुप को हमारे ज्वाइन करें। आने वाले जितने भी एग्जाम है इसके लिए लगातार हम डेली क्विजेज इसमें करवाते हैं, आप इसको ज्वाइन करें और सारे क्विजेज को अटेम्प्ट करें। और हम यहाँ पे बिना किसी तरीके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यक क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द लीस्ट नेसेसरी फॉर प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम देखें इसमें तो ऑप्शन सी हमारा जो है दिस इज़ द लीस्ट नेसेसरी, क्योंकि होता क्या है कि इसमें लिखा है लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि प्रोडक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए इंस्टीट्यूशन हो उसको सिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लोगों की आवश्यकता होगी, आपके रॉ मटेरियल्स इक्विपमेंट और मनी चाहिए होगा, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है कि एक जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वो सब होती हैं, परंतु इंस्टीट्यूट टू एडुकेट पीपल जरूरी नहीं कि किसी हर किसी काम में उनको शिक्षित होना जरूरी है ना, कुछ अशिक्षित लोग भी प्रोडक्शन और गुड्स का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है इसको हम चूज करके आगे बढ़ेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है, ठीक है। तो जो हमारी ह्यूमन आई होती है बेसिकली, अगर आप देखेंगे आगे का पार्ट तो यहाँ पे जैसे कि वाइट पार्ट के अलावा जो बीच में आप एक पार्ट देखते हैं जो कि काला और कुछ नीले प्रकार का होता है, तो वहाँ पे हमारे दो पार्ट हैं। अब ब्लैक पार्ट जो होता है दिस इज़ प्यूपल, है ना, और जो उसके अलावा नीला पार्ट है ना, या ब्लैक थोड़ा होता है दिस इज़ आयरिस। तो अगर हम इनमें से देखें तो परितारिका यानी कि आयरिस हमारा आँख से संबंधित है, तो ए ऑप्शन जो है इसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जो हमारी बेसिकली इंडियन आर्मी है तो उसके कुछ कमांड्स होते हैं, है ना, जैसे इंडिया पूरा है तो उसको कुछ अलग अलग कमांड्स में डिवाइड किया गया। तो जो हमारी ईस्टर्न कमांड है इनका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल कोलकाता में, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, ठीक है। तो बेसिकली जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई तो वहाँ के लोग जो थे, है ना, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में स्थित है, तो यहाँ के लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, है ना, इसको एक मेलुहा शब्द से पुकारा करते थे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी कौन सी रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, ठीक है। तो एक हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो एस्टैब्लिश करने की घोषणा इन्होंने की है ये मथुरा में उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो ग्रेजुअल ब्रोक डाउन हुआ मुगल एम्पायर से बंगाल का, ये मुर्शिद कुली खान के अंडर में, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम। अगला है कि मौलिद निम्न में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है, ठीक। तो इस्लाम धर्म का त्यौहार जो हमारा है मिलाद उन नबी, है ना, इसको मौलिद के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। अगला है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का कितने प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा, ठीक। तो जो हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो ये कैपेसिटी हम ऑलमोस्ट करेंगे 40% 2030 तक, ठीक। तो यहाँ पे हम जो है ये ऑप्शन को चूज करते हैं। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी उससे संबंधित ये एक पैक्ट था। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जीवीय किसी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है, ठीक है। क्या होता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ सेक्टर इंडस्ट्री और सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो आपसे यहाँ पे जीवीय का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक। तो जीवीय होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ए ऑप्शन को चूज करेंगे हम।
द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, ठीक है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है स्पोर्ट्स और खेलों में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं, है ना, जो मतलब खिलाड़ियों को कोच होते हैं ना, उनको खेलने के लिए और प्रेरित करते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं, तो ऐसे कोचेज में जो सबसे बेस्ट कोच निकल के आते हैं यहाँ पे, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है किस वर्ष किया गया, ठीक? तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हो गया, और 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया इसमें, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो कि ढोला सादिया ब्रिज है, निम्न में से किस नदी पर बना है, ठीक? तो ढोला सादिया पुल बेसिकली हमारा, इसको जो दूसरा नाम है, इसको भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, और हमारा ये स्थित है लोहित नदी के ऊपर, ठीक है? जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। अगला है कि अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों से बह जाते हैं, तो निम्न में से किसके फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं, ठीक? तो बेसिकली जो हमारा एल्गी होता है, तो जो हमारे ये केमिकल्स वॉश आउट हो जाते हैं जो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड से है ना, इनसे, तो ये न्यूट्रिएंट का काम करते हैं शैवाल यानी कि एल्गी को फ्लरिश करने के लिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 79 पार्ट 5 में जो हमारा ये दिया हुआ है, इसमें प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का किस प्रकार से गठन होगा या क्या उसका प्रकार होगा, ठीक? तो 79 में समझिए कि संसद जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना, तो ये सब परिभाषाएं यहाँ पे इसमें प्रोविजन है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि राजस्व बंदोबस्त की जो महालवाड़ी प्रणाली थी उसके बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो बेसिकली इसमें है क्या कि जो पहला स्टेटमेंट है हमारा गलत है। इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार ऐसा था दिया हुआ है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि जो भूमि थी उस पर ग्राम समुदाय का एक तरीके से सामुदायिक अधिकार होता था, है ना, उसी को महल बोलते थे। तो इसमें जो एक तरीके से कह लीजिए जो समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते थे, है ना, और उस जो लगान को एकत्र करने का जो जिम्मा था उसके प्रति पूरा जो क्षेत्र था वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था, तो इस वजह से एक यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी कथन जो है वो ठीक है। अगला है कि जुलाई 2020 में निम्न में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की थी, ठीक? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था मनोदर्पण पहल, जिसके द्वारा एजुकेशन एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसमें वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से निम्न में से किसके उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है, ठीक? तो बेसिकली एमएसपी के इंक्रीज होने के कारण जो हमारे मोटे अनाज जैसे कि जौ, ज्वार, बाजरा ये सब होते थे उसके स्थान पे यहाँ अगर हम देखें तो गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में भारी वृद्धि देखी गई है, स्पेशली हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उसके बाद से, ठीक? तो इस वजह से ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं सब प्रोडक्शन के चक्कर में लोग जो है अपने खेतों को उसी हिसाब से जो है कल्टीवेट करते हैं या डेवलप करते हैं। अगला है कि भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कितने कांस्य पदक जीते, ठीक? तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है, तो टोटल हमने जीते 7 मेडल जिसमें से 4 हमारे हैं ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इन 4 में पीवी सिंधु ने जीता है ना बैडमिंटन के लिए, फिर जो है ये लवलीना बोरगोहेन ने जीता था बॉक्सिंग में, इंडियन हॉकी टीम ने भी जीता था, और उसके बाद रेसलिंग में जीता था बजरंग पूनिया ने, ठीक? तो 4 ही मेडल हो गए। अगला है कि मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक जो है मूल रूप से निम्न में से किन दरबारों के घरानों में विकसित हुआ, ठीक? तो यहाँ पे जो हमारे लखनऊ और जयपुर घराने थे, है ना, यहाँ पे इनके कोर्ट्स में डेवलप हुआ हमारा जो नृत्य है कथक, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न यानी कि डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न जो होता है हमारा उनमें से क्या होता है, ठीक? तो बेसिकली सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब नदी सड़ी यानी कि एक कोई जो रिवर चैनल होता है हमारा मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ साथ प्रवाहित होता है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है, तो बेसिकली मान लीजिए कोई एक नदी आ रही है, अब ऐसे ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं, तो एक ऐसे वृक्ष नुमा जो हमारी आकृति बन रही है, तो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न यही होता है नदी का, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
अगला है कि रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो हमारे बेसेस होते हैं केमिकल बेस, ठीक, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो बेसिकली पहला कथन हमारा ठीक हो जाएगा कि जो क्षार होते हैं ये स्पर्श में साबुनी यानी कि सोपी टच होता है इनका, बिटर इन टेस्ट है ना, कड़वे होते हैं स्वाद में, और संक्षारक यानी कि एक कोरेजिव नेचर होता है इनके, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में शामिल नवनिर्मित बुनियादी आवश्यकता सूचकांक यानी कि जो BNI, इसको बेयर नेसेसिटी इंडेक्स कहते हैं, तो 5 आयामों के तहत आने वाले 26 संकेतकों को एकीकृत करता है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा उन 26 संकेतकों में नहीं है ना, जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है हमारे बुनियादी आवश्यकता सूचकांक में, तो यहाँ पे इसमें सम्मिलित नहीं था रोजगार, ठीक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है, ठीक। तो बेसिकली हमारा ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम आया था 2018 में, एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, उस टाइम पे जैसे विजय माल्या और ये नीरव मोदी है ना, मेहुल चौकसी, ये सब के जो केसेस थे, तो चूंकि अब ये सब आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए सब भाग गए विदेश और भारत आने से इनकार कर रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति के एग्जीक्यूशन या प्रोसिक्यूशन का जो है प्रोविजन करने के लिए ये एक्ट हमारा बनाया गया था। तो ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा ये। अगला है कि निम्न में से किस वृक्ष या फिर पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे तुलसी का वृक्ष जो होता है कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ ये होता है, तो देखा होगा आपने कि अक्सर जब खांसी वगैरह होती है तो उसका यूज़ करते हैं, एज अ काढ़ा जब बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 2021 में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी, ठीक है। तो बेसिकली फुटबॉल की रैंकिंग निकालता है फीफा, तो 2021 में जो भारत की रैंक रही इसमें 106, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस वर्ष में संसद ने एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप द्वीप के जो ये द्वीप है द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया, ठीक है। तो हमारा जो लक्षद्वीप है इसको एक तरीके से कह लीजिए एज अ यूनियन टेरिटरी फॉर्म किया गया 1973 में, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल का एक पोस्ट होता है, ठीक, तो ये इसमें जो भी टेन्योर है बेसिकली कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ठीक है। तो गवर्नर के कह लीजिए प्लीजर के अनुसार ये अपने कार्य जो ऑफिस है उसको होल्ड करते हैं। तो अब ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, ठीक। तो बेसिकली जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इंडिया का, तो जैसे देखिए द्रविड़ आर्किटेक्चर जो है तो साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं ये उससे संबंधित है, ठीक। फिर नागर जो है शैली ये है संबंधित हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल थे। वेसर जो है तो ये द्रविड़ और नागर को मिला करके एक शैली डेवलप की गई कॉमन, ठीक, तो ये उससे संबंधित है। उद्धरका जो है ऐसा कोई नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि स्पेस एक्स जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली एक ये कंपनी है स्पेस एक्स अमेरिका में, एलॉन मस्क जो है इसके CEO हैं, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 के अंदर, ठीक। तो जैसे आजकल ये काफ़ी स्पेस मिशन वगैरह भी लॉन्च करते हैं, फैल्कन जो इनका एक रॉकेट है, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सिम्बेक्स क्या है, ठीक। तो सिम्बेक्स बेसिकली भारत और सिंगापुर के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ठीक, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, ठीक है। तो ये विशेषता है हमारे पाइका नृत्य की, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, जो कि तत्काल उस समय मुंबई था, उसमें ब्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये कब किया गया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दिसंबर 1885 फर्स्ट सेशन, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्रिप्स मिशन जो है इसको भारत में भेजा गया था।
अगला है कि एजी टेंसले ने 1935 में निम्न में से किसकी अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक, तो जो इकोसिस्टम है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इसकी अवधारणा 1935 में, यह ध्यान दीजिए, एजी टेंसले ने दी थी। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका मुख्यालय इन देश इनमें से कहाँ स्थित है। ठीक, तो हमारा जो आईसीसी, जो हमारे क्रिकेट मैचेस होते हैं है ना, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों से संबंधित है, तो इसका मुख्यालय हमारा स्थित है दुबई के अंदर, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है कि नवंबर 2020 में नीतीश कुमार लगातार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ठीक, तो ये इनका चौथा टर्म है। ठीक, फोर्थ वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों यानी कि मंडलों में विभाजित है। ठीक, तो हमारे जैसे चार वेद हुए, उसमें से जो ऋग्वेद है ये डिवाइडेड है हमारे 10 मंडलों में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची जो 2021 की आई थी उसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे उदय कोटक, शिव नादर और राधा किशन दमानी जो है ये शामिल थे। आधार पूना वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उससे संबंधित है, ये इस लिस्ट में नहीं थे। अगला है कि अ प्रोमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ठीक, अ प्रोमिस्ड लैंड, तो ये लिखी थी बराक ओबामा, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, तो एक खराज कर जो लगता था बेसिकली एग्रीकल्चरल टैक्स था, और जो फार्मर की प्रोड्यूस होती थी उसके 50% हिस्से के बराबर होता था। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्ट किया गया था, कितने राज्यों पर केंद्रित है। ठीक, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, इसमें जो ये गंगा के जो रेस्पेक्टिव जो हमारा उसका कोर्स ऑफ रिवर है वहाँ पे सफाई और इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो इसमें बेसिकली पांच जो हमारे राज्य हैं इन पर फोकस किया गया, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है इसको शुरू यहाँ से करेक्ट करेंगे हम। अगला देखिए कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था। ठीक, तो मौर्य डायनेस्टी में जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसका नाम था यात्रा वेतन। अगला है कि लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो हमारा बेसिकली लेंसेज होते हैं, तो इसकी जो हमारी यूनिट है एसआई यूनिट, ये होती है डायोप्टर है ना, तो इसको डी से डिनोट करेंगे यहाँ पे। अगला है कि मांडू त्यौहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो मांडू फेस्टिवल किया जाता है गोवा में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है किस महीने में आयोजित होता है। तो एक बार काफ़ी फेमस ये काइट फेस्टिवल है गुजरात में, होता है जनवरी के महीने में। ठीक, तो ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रकाश कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है हमारा सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है लाल प्रकाश, उसके बाद नीला भी होता है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमारा लाइट अगर कोई रे है वो 400 से 700 nm के बीच की अगर है, वेवलेंथ के बीच की। ठीक, तो ये काफ़ी सूटेबल होती है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा ये क्लोरोफिल होता है अब्जॉर्ब होता है रेड लाइट के प्रकाश में। ठीक, तो बी जो था ये करेक्ट था। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके वर्तमान सचिव कौन है, सेक्रेटरी, तो ये हैं जय शाह। ठीक, ये जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके बेटे हैं ये हैं सचिव, और जो सौरव गांगुली हैं ये वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। ठीक, बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।